वेलकम फ्रेंड्स, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी में। दोस्तों देख सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स ने एक्स बाय ग्रुप के लिए भी जो है अभी देखिए वैकेंसी आ चुकी है। एक्चुअल में ये मुझे नोटिफिकेशन कल ही मिल गया था, लेकिन उसकी पुख्ता जो है जानकारी मेरे पास नहीं आ रही थी, नहीं मैं चेक कर पा रहा था, इसलिए मैंने नोटिफिकेशन कल आपको नहीं बताया था। लेकिन अभी जब मेरे पास कुछ स्टूडेंट ने नोटिफिकेशन भेजा और खुद मैंने चेक किया साइट पर, तो ये नोटिफिकेशन वहाँ पर दे रखा है और ये रियल है कि एक्स बाय ग्रुप ने अपना वैकेंसी वहाँ से रिलीज कर दिया। देखिए इसमें क्या है कुछ खास, वो सब मैं आपको बता देता हूं। देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका 3 जुलाई से और 24 जुलाई के बीच आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन एग्जाम डेट है आपका 13 सितंबर, ठीक है, से 16 सितंबर के बीच में ये आपका एग्जाम चलेगा। इसके बाद देखो और भी इसमें बहुत सारी जानकारी आई है, वो मैं बता देता हूँ। अगर आप इस नोटिफिकेशन को चेक करना चाहते तो ये साइड आप इनमें से दोनों में से कोई सी भी साइड आप जो है सर्च कर लीजिए, ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है, देखो हम ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने नोटिफिकेशन सेंड कर दिया तो हम इमिडिएटली वीडियो शूट करके और आपको बोल दें कि हाँ एयरफोर्स ने वैकेंसी रिलीज कर दिया। हो सकता है वो फर्जी भी हो सकता है, तो पूरी जानकारी जब तक चेक नहीं हो जाती तब तक हमारी अकेडमी टीम हमको ऑथराइज नहीं करती है कि आप इस पर वीडियो शूट करिए। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होगा वो आपका 3 जुलाई से जैसे मैंने ऊपर बता दिया है और 24 जुलाई तक के बीच में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। बाकी देखो सेम वही प्रोसेस है कि 10+2 आपके पास होना चाहिए, जिसमें कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी से भी आप दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद मैं और आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा जो कि अनमैरिड मेल सिटीजन। देखिए मैं हाँ एक और बात, बहुत सारी गर्ल्स के मेरे पास जो है कॉल आता है कि सर हम इसमें फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। नहीं देखो एयरमैन है, ये एक्स वाई ग्रुप है, इसमें आप फीमेल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप फीमेल अप्लाई करना चाहती हैं तो देखो अभी मैंने नोटिफिकेशन दिया था ना एयरफोर्स एफकैट का, तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एयरमैन सिर्फ मैन के लिए होता है, फीमेल के लिए नहीं होता है। चलिए इसके बाद हम और बता देते हैं कि सिलेक्शन टेस्ट फ्रॉम या टेस्ट की भी बात की गई है, सेम वही है जो आपने पहले दिया था, इसमें कोई नया कुछ नहीं आया। अच्छा देखो चलो डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ आपका 14 जुलाई 1998 से 26 जून 2002 के बीच में होना चाहिए, और जो इससे पहले हैं जिनका एज निकल चुका है वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। और देखो अगर इनके बीच में, तो आप आवेदन जरूर करना, आप सबको पता है कॉल लेटर तो आएगा ही आएगा, और आपके बाद जी जान लगा देना, लेकिन बार बार फिर ये मत बोलना कि सर मेरा एक नंबर से रह गया, दो नंबर से रह गया। देखो कितना अच्छा खुशखबरी है कि एयरफोर्स ने फिर दोबारा से आपको दे दिया मौका, ठीक है, तो इसे गंवाना मत। और पेपर सब कुछ मालूम चल ही गया है कि कैसा पेपर आता है, फेल हो जाएंगे इसके बाद, चलो फिर दोबारा से मैं आपको तैयारी कराऊंगा एक्स वाई ग्रुप की, ठीक है। चलो अभी इधर बता देता हूँ, देखो एक्स ग्रुप के लिए भी यहाँ पर बता दिया गया है कि 10+2 एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स फिजिक्स इंग्लिश के साथ 50% मार्क जो है एग्रीगेट होना चाहिए, और अलग से 50 नंबर आपके इंग्लिश में होने ही चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब इसके बीच में कुछ ऐसा नहीं दे रखा है, सेम प्रोसेस है कि पहले आपका जो है रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद देखो फेस जो है फेस टू का एग्जाम होगा जिसमें एक आपका फिजिकल है, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, और आपका फिर जीडी होगा, उसके बाद फिर मेडिकल होगा। तो सारी जानकारी आपको पता है दोस्तों, ये जब मैं आपको इन्फॉर्म करने के लिए ये सारी जानकारी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप निश्चिंत हो जाइए, तैयारी मैं खुद कराऊंगा, अपनी तरफ से भी आप जीजन लगा देना और एयरफोर्स में अपना सिलेक्शन जरूर कर देना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करके बता दीजिए, ठीक है। बिल्कुल ठोस है, मजबूत है, कहीं फेक